देख रहे हैं टीवी राजस्थान, मैं हूं आपके साथ मनीष शर्मा। खबरों को शुरुआत कर लेते हैं अजमेर से मिल रही है। खाद्य विभाग ने की है कार्रवाई। ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह के अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कार्रवाई हुई है। 200 किलो सोहन अलवा हलवा मौके से नष्ट किया गया है। 250 किलो सोहन हलवे को जांच के लिए सीज किया गया। श्री अग्रवाल ट्रेडर्स फैक्ट्री पर यह कार्रवाई हुई है। अजमेर की ख्वाजा गरीब नवाज के दरगाह के अंतर्राष्ट्रीय बाजार में ये कार्रवाई की गई है। स्वास्थ्य विभाग की ओर से श्री अग्रवाल ट्रेडर्स फैक्ट्री में चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग की टीम ने दबिश देकर बदबूदार 200 किलो सोहन हलवा मौके पर नष्ट किया है। 250 किलो सोहन हलवे को जांच रिपोर्ट आने तक के लिए सीज किया गया है। जानकारी के अनुसार दुकान में बहुत गंदगी में सोहन हलवे का निर्माण हो रहा था, जिसमें मूंगफली रंग कर उसका उपयोग किया जा रहा था। अजमेर के ख्वाजा गरीब नवाज के दरगाह के अंतर्राष्ट्रीय दरगाह बाजार में लाखों जायरीन रोजाना यहाँ पर आते हैं और वह तबरुक के तौर पर सोहन हलवा खरीदते हैं। फिलहाल टीम ने रेलवे के आपको जानकारी दें कि नमूने दरअसल ले लिए हैं हलवे की और जांच के लिए भेज दिया गया है। तो खाद्य विभाग की ये कार्रवाई सामने आई है। सोहन हलवा मौके पर नष्ट किया गया है, नमूने ले लिए गए हैं, जांच के लिए भेज दिए गए हैं। तो त्योहारी सीजन है और ऐसे में मिलावटखोरी का सिलसिला भी चरम पर है। राजस्थान में मिलावट की जा रही थी बदबूदार हलवा, जिसे मौके पर नष्ट किया गया है। अजमेर में कार्रवाई सामने आई खाद्य विभाग की ओर से। तो ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह के अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कार्रवाई हुई है। 200 किलो सोहन हलवा मौके पर नष्ट किया गया है। पवन इस वक्त ज्यादा जानकारी लिए मौजूद है, मेरे साथ लाइव मौजूद है। पवन, जरा बताएं दर्शकों को कैसे इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया। अपना माइक आप अनम्यूट करिए पवन। बिल्कुल, यहाँ पर देखिए स्वास्थ्य विभाग और सीएमएचओ के द्वारा एक संयुक्त कार्रवाई अजमेर में देखने को मिली, जहां पर बोराज स्थित फायसागर रोड पर श्री अग्रवाल ट्रेडर्स के जो फैक्ट्री है, जहां पर बड़ी संख्या में सोहन हलवा बनाया जाता है, जहां करीब 250 किलोग्राम बदबूदार सोहन हलवा जो विभाग है, खाद्य सुरक्षा विभाग, उन्होंने प्रथम दृष्टया उसको बदबूदार और खाने योग्य नहीं मानते हुए मौके पर ही नष्ट किया है। और करीब 200 किलो जो सोहन हलवा है उसको उसके सैंपल लिए गए हैं और जो प्रयोगशाला है वहां भेजा गया है। और निश्चित तौर पर सीएमएचओ डॉक्टर ज्योत्सना रंगा का कहना है कि अगर जो सोहन हलवा है उसमें किसी प्रकार की कोई त्रुटि पाई गई, वह खाने योग्य नहीं माना गया, जो सरकारी नियम है, मापदंड है, उसके अनुसार नहीं माना गया, तो निश्चित तौर पर जो फैक्ट्री मालिक है उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई यहां पर की जाएगी। देखिए यहां पर मनी एक बात जानने योग्य है कि सोहन हलवा एक अजमेर का मशहूर एक मिठाई है जिसे माना जाता है, और ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह जो अंतर्राष्ट्रीय बाजार है वहां पर बड़ी संख्या में ये बेचा जाता है। तो निश्चित तौर पर इस तरीके का मिलावटी और बदबूदार सोहन हलवा पिछले कई समय से दरगाह बाजार में जो अलग अलग शहर अलग अलग राज्यों से आने वाले जायरीन हैं वह खरीद कर अपने साथ ले जाते हैं, तो उनके स्वास्थ्य के साथ तो खिलवाड़ हो ही रहा था, कहीं ना कहीं आस्था के साथ भी खिलवाड़ हो रहा था, क्योंकि ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह में जो सोहन हलवा है उसको तबर्रुक के तौर पर एज अ प्रसाद के तौर पर उसे जायरीन यहाँ से लेकर जाते हैं। तो निश्चित तौर पर ये कितने लंबे समय से ये काला कारोबार यहाँ पर हो रहा था, ये भी एक जो स्वास्थ्य विभाग है, सीएमएचओ विभाग है और स्थानीय पुलिस है वो इस मामले में पूरी जांच यहाँ पर कर रही है। फिलहाल सैंपल यहाँ पर भेजे गए हैं और मापदंड के अनुसार नहीं पाए जाने के बाद इसके फैक्ट्री मालिक के खिलाफ यहाँ पर कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जा सकती है और जो उसका फूड लाइसेंस है वो भी निरस्त किया जा सकता है। जी ठीक है पवन, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी इस खबर पर देने के लिए। शुक्रिया आपका।